बिंदुली एक किस्मत की मारी गरीब महिला थी। उसके एक ही लड़का था सौरभ, वह 7 वर्ष का था। बिंदुली के पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। वह दिल्ली में अशोक विहार के सेठ रमन प्रसाद के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। वह अपने बेटे सौरभ को बड़े कष्ट से पाल रही थी। उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। सेठ रमन प्रसाद तो दयालु थे, लेकिन उनकी पत्नी कविता और बेटी गौरी बहुत ज्यादा दुष्ट थीं। वे जब तब बिंदुली को डांटती रहती थीं। एक दिन बिंदुली के बेटे सौरभ के पैर में चोट लग गई। वह बहुत जोर से रो रहा था। बिंदुली घबरा कर बोली, अरे अरे बेटा, ये चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ पैर में चुभ गया है मम्मी। कितना खून निकल रहा है, लाओ लाओ मैं पट्टी बांध दूं। यह कहकर बिंदुली ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और सौरभ के पैर में कसकर पट्टी बांधी, लेकिन खून फिर भी बह रहा था। यह देखकर बिंदुली बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, हाय राम, खून तो अभी बंद नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? चल बेटा, तुझे मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह सौरभ को गोद में उठाकर बहुत जल्दी से डॉक्टर के यहाँ भागी। डॉक्टर ने उसके पैरों में पट्टी बांधी और कहा, अच्छा किया जो इसे आप यहाँ जल्दी ले आईं। इसके पैरों में गहरा कांच लगा है, जो पैर में ही टूटकर गहरा धंस गया था। इसी वजह से खून नहीं रुक रहा था, वो मैंने साफ करके निकाल दिया है और पट्टी भी कर दी है। टिटनेस का इंजेक्शन भी दे दिया है, लेकिन अब आपको इसकी ढंग से देखभाल करनी पड़ेगी, वरना सेप्टिक हो जाने का डर रहेगा। डॉक्टर साहब, आपके पैसे? नहीं नहीं, पैसे रहने दो। मुझे पता है तुम पैसे नहीं दे सकोगी। बच्चे की हालत को देखकर मैंने इसको दवाई दे दी है। बस तुम इतना करना, इसे टाइम से दवाई देते रहना, उसमें लापरवाही मत करना, और दवा खत्म हो जाए तो फिर से दवा पट्टी करवा ले जाना, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप भगवान के रूप में हैं। आपने मेरे बच्चे को फ्री में दवा दी है, भगवान आपको इससे 100 गुना देगा। ऐसा कहते कहते वह सौरभ को गोद में उठाकर घर ले आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह मन ही मन में भगवान का शुक्रिया कर रही थी। गरीबों की भी भगवान मदद करते हैं। बेटा, तुम आराम से लेट जाओ, मैं थोड़ी देर में सेठ जी के यहाँ से काम करके आती हूँ। और अरहा, उठने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी चोट में फिर से खून बहने लगेगा। ठीक है मम्मी, अब तुम जाओ। बिंदुली का जाने को मन नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। वह जानती थी कि सेठानी कविता का स्वभाव बहुत कर्कश है। सौरभ को दवा खिलाकर वह सेठ जी के घर पहुंची तो उसको इतनी देर से आया देखकर कविता भड़क उठी और बोली, क्यों बिंदुली, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अब तुम्हारे आने का टाइम हुआ है, जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे इतनी लेट लतीफ नौकरानी नहीं चाहिए, अगर ऐसे ही आया करोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करो, अब मैं जल्दी आया करूंगी। दरअसल मेरे बेटे को बहुत गहरी चोट लगी है, मैं उसे दवा दिलवा कर घर में अकेला ही छोड़ कर आई हूँ। रहम करो मालकिन, रहम। चलो ठीक है, आज छोड़ देती हूँ, कल से देर मत करना। अपने लड़के को यहाँ अपने साथ ले आया करना, जिससे तुम्हें लेट होने का बहाना ना मिले। और हाँ, जब तुम्हारा लड़का यहीं होगा तो फिर बर्तन भी साफ कर दिया करना, तुम्हें खाना भी दे दिया करूंगी। ठीक है मालकिन। इस तरह से चालाकी से कविता ने बर्तन साफ करने का काम भी उसे सौंप दिया। अगले दिन से वह अपने बेटे सौरभ को अपने साथ लाने लगी। वह अभी चोट के कारण स्कूल नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपनी किताब साथ में ले आता। बिंदुली जब तक घर में काम करती रहती, तब तक सौरभ एक कोने में चुपचाप बैठा पढ़ता रहता। गौरी बहुत बिगड़ी हुई बदतमीज लड़की थी। उसने सौरभ से कहा, जा मेरे लिए बाजार से चॉकलेट लेकर आ, अभी घर में कोई और सर्वेंट नहीं है। लेकिन सौरभ के पैर में चोट थी, इसलिए उसने जाने के लिए मना कर दिया और कहा, मेरे पैर की चोट दुख जाएगी, मैं नहीं जा सकता, और मैं पढ़ भी रहा हूँ। स्टूपिड कहीं का, एक तो नौकरानी का बेटा, ऊपर से इतना घमंड। पढ़ाई तो मैं भी करती हूँ, तू ज्यादा पढ़ाकू बनता है, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर उसने सौरभ के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उसने सौरभ की किताब पर झपट्टा मारा और किताब फेंक दी। सौरभ रोने लगा।
बिंदुली को बहुत बुरा लगा। उसने कविता से शिकायत की, गौरी ने ठीक किया, तुम्हारे लड़के के दिमाग इतने खराब है कि ऐंठ दिखाता है, जैसे नौकरानी का बेटा नहीं कोई राजकुमार है। अगर वह बाजार से चॉकलेट लाकर दे देता तो क्या बिगड़ जाता, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो उसे अपने घर में रखो, यहाँ मत लाया करो। अब बिंदुली चुप रह गई। वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, ना तो वो नौकरी छोड़ सकती थी और ना वह सौरभ को यहाँ ला सकती थी। लेकिन परिस्थितियों ने सौरभ को बड़ा बना दिया, उसके आत्मविश्वास को ठेस लगी थी। अगले दिन जब बिंदुली काम पर जाने लगी तो सौरभ ने कहा, मम्मी तुम जाओ, मैं घर पर रहूंगा और वैसे भी पैर ठीक होने पर मैं स्कूल जाया करूंगा। 15 साल गुजर गए। सौरभ ने दिन रात पढ़ाई की, स्कॉलरशिप हासिल करके वह आगे बढ़ता गया और वह जिला अधिकारी बनकर अपने ही एरिया में आ गया। अब बिंदुली ने काम पर आना बंद कर दिया था। उधर सेठ रमन प्रसाद को बिजनेस में तगड़ा घाटा हुआ और वे रोड पर आ गए। उस सदमे में वे बीमार हो गए। एक दिन एक बड़ी सी कार पर सौरभ के साथ बिंदुली आई। सौरभ को देखकर कविता और गौरी ने उसका स्वागत किया। उन्होंने सौरभ को नहीं पहचाना था, उन्होंने यही समझा कि यह डीएम है। लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही नौकरानी का बेटा सौरभ हूँ, सेठ जी को देखने आया हूँ। कविता और गौरी की नजरें शर्म से झुक गईं, क्योंकि अब तो उनकी हैसियत नौकरानी की तरह भी नहीं थी। सेठ रमन प्रताप के पास दवा करवाने के लिए पैसे नहीं थे और यह सब लोग बहुत ही मामूली से घर में रह रहे थे। चलिए सेठ जी, आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। रमन प्रताप सौरभ की उदारता को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। गौरी ने आगे बढ़कर कहा, सौरभ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो बुरा व्यवहार किया था उसका दंड मुझे खूब मिला है और अब हम लोग पहले जैसे नहीं रहे। अब हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि गरीबी का कष्ट क्या होता है। प्लीज मेरी कहीं जॉब लगवा दीजिए जिससे मेरी गुजर हो सके। सौरभ ने अच्छे हॉस्पिटल से रमन प्रताप का इलाज भी करवाया और गौरी की जॉब भी लगवा दी। अब कविता और गौरी दोनों ही सौरभ की तारीफ करते नहीं थकती थीं। वे अक्सर लोगों से कहती, गरीब और अमीर में कुछ नहीं होता है, आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जैसे सौरभ ने हम लोगों की आंखें खोल दी और अपने साथ साथ हम लोगों की जिंदगी भी खुशियों से भर दी।